हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। अच्छे होंगे जी। मैं सौरभ दैना आज आपके लिए लेके आया हूँ ये पहले ब्यूटीफुल बिल्ड अप डोर सेक्टर 67 अंचल बरसाले के अंदर। लोकेशन आपको मैंने बता दी, चीज़ बहुत पहले होने वाली है। मैंने आपको जैसे बताया था कि पार्क फेसिंग यूनिट भी अपने पास अवेलेबल है, सेम लेआउट के साथ। चीज़ें आप देख रहे हो, क्वालिटी आप देख रहे हो, फील आप घर में देखो, आपको ये चीज़ नहीं मिलती इस लोकेशन के अंदर। तो चलते जा रहे हैं, हम वीडियो भी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लोकेशन पे फ्लोर है, रोड्स इसके A1 होने वाले हैं लोकेशन, और बीच में आप गैप देख रहे हो घरों के, तो बहुत अच्छे गैप है। वेंटिलेशन कभी भी लॉक नहीं होना, सामने बिल्कुल पार्क है, और सबसे मेन चीज ये अपनी फ्लोर है जिसके अंदर बिल्डर फ्लोर अपने को मिलने वाला है। अभी एलिवेशन का काम चल रहा है, ये आपको अंदर से मैं दिखाऊंगा, बट सेम यूनिट सेम लेआउट के साथ अपने को पार्क फेसिंग भी मिल जाएगी। अब चीजों को आप देखो, सैंपल आपको दिखाते हैं हम, क्या चीज हमने बनाई हुई है, क्या चीज अपने को मिलने वाली है। और सबसे बेस्ट पॉइंट बताता हूँ इस प्लॉट का, टू साइड ओपन ये प्लॉट है, आपको पीछे दिख रहा होगा, पीछे से भी प्रॉपर गेट है, सामने से भी प्रॉपर गेट है, बैक में भी प्रॉपर गेट है, टू साइड ओपन प्लॉट है। बहुत अच्छी चीज बना के बिल्डर दे रहा है। टेंपल आपको दिखाते हैं, एलिवेशन और बाहर का एरिया मैंने दिखा दिया, लोकेशन आपको दिखा दिया। यहाँ से स्टेज से की थी मैंने ऊपर एंट्री, पॉली कैप के ऊपर मिलते हैं सारी MCB वगैरह। यहाँ पे लिफ्ट अभी इंस्टॉल होने बाकी है, जैसे आपने देखा एलिवेशन में भी काम अभी चल रहा है हमारे घर के अंदर। एंड ये हम करते हैं फ्लोर के अंदर एंट्री, इसके बाद ना आप ये देखो घर की, आपको मजा आ जाने वाला है देख के। एंट्री हमने यहाँ से की, आपको सबसे पहले इसका लेआउट मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ। आगे इसका ड्रॉइंग का एरिया पूरा, मंदिर का स्पेस यहाँ पे बनाया हुआ है, आगे किचन इसका बहुत बड़ा किचन दिया हुआ है जी 300 स्क्वायर यार्ड में। यह बेडरूम नंबर 1, इसका वॉशरूम, बेडरूम नंबर 2 यहाँ पे है, 3 और 4 बेडरूम ये है, फैमिली लॉन्च दिया हुआ है यहाँ पे, डाइनिंग का स्पेस L-शेप में लेआउट दिया हुआ है, ड्राइंग डाइनिंग का बहुत अच्छा लेआउट है, बहुत प्यारा साइज निकल के आता है। सबसे पहले इसका ड्राइंग एरिया ही हम देखते हैं, आप देखिए पीछे वॉल पे कितना प्यारा इन्होंने काम किया है, पूरा लैंप वगैरह ला के दे रहे हैं, पीछे वुड का बहुत प्यारा काम है, मोल्डिंग का बहुत प्यारा काम है। एंड जो फील आपको दिख रही है घर के अंदर, जो फिनिशिंग आपको दिख रही है ना, ये फिनिशिंग बार बार नहीं आती, ये फील बार बार नहीं आती, बहुत कमी बिल्डर इस तरह का काम कर पाते हैं। और जिस बजट में ऑप्शन है ना, आपको मैं बोल देता हूँ बहुत जेन्युइन चीज आई हुई है जी। मोल्डिंग का काम आप देखिए, पैटर्न्स वगैरह सारी चीजें अपने को इनमें चॉइस मिल जाएगी, बट जो बिल्डर ने अपनी चॉइस से लगाए हुए ना, ये भी बहुत प्यारी क्वालिटी के साथ मिलते हैं अपने को। टीवी कैबिनेट वगैरह सारी चीज अपने को A to Z मिलने वाली है। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पॉली कैप अपने को मिलते हैं, MCB एंड स्विचेस वगैरह सारे। ड्रॉइंग का साइज आपको देख के पता लग रहा होगा, बहुत बड़ा ड्रॉइंग का एरिया दिया हुआ है हमारे फ्लोर के अंदर, फील बहुत प्यारी दी हुई है। ऊपर जो आप देख रहे हो सीलिंग पे काम, सीलिंग पे देखिए क्या प्यारा सीलिंग पे काम किया हुआ है। ये स्पेस हमने देखा, बहुत प्यारा स्पेस निकाला हुआ है, इसी के बिल्कुल बराबर में आप भागे हमने इसके किचन के अंदर। किचन में भी आप देखो ग्रे कलर की किचन रखी हुई है, बहुत अच्छी थीम निकाली हुई है, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, लुक निकल के आती है, एनहेंस लुक आ रही है बहुत ज्यादा। हमें मिलती है पूरा सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ। एंड देखिए आप क्या प्यारी क्वालिटी है, क्या प्यारी चीज है, ये प्रॉपर चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, OTG सारी चीजें अपने को मिलने वाली है हमारे घर के अंदर। एलिका की पूरी फिटिंग रहने वाली है, ब्रांडेड फिटिंग है जी, ऐसे नहीं है कुछ भी उठा के बिल्डर ने दे दिया है। सीलिंग पे काम कितना प्यारा किया हुआ है, लाइट LEDs का, हाईलाइट लाइट्स का बहुत प्यारा है काम है, आप देख रहे हो पेंट्री वगैरह प्रॉपर बनाई हुई है ना, फ्लोर में नीचे भी पूरा हाईलाइटेड लाइट्स लगाई हुई है बिल्डर ने। क्वालिटी आपको देख के समझ रही है क्या चीज बिल्डर ने लगा के दी है, क्या चीज बिल्डर बना के दे रहा है, बहुत बेहतरीन काम है। रियलिटी में बहुत लाजवाब काम बिल्डर ने कराया हुआ है। ड्रॉइंग हमने देखा, किचन इसका देखा, इसके बाद हम चलते अपने ड्रॉइंग डाइनिंग जो फैमिली लॉन्च में आपको बोल रहा था, ये स्पेस आप देखो कितना तो बड़ा अपने को स्पेस मिलने वाला है। मैं ना आपको यहाँ पे खड़ा होकर बताता हूँ, हमारे घर में ना फील ही बहुत अलग है, बहुत बड़ा घर दिखता है हमें। 300 स्क्वायर यार्ड का वन ऑफ द बेस्ट लेआउट ही निकल के आता है, और ये चीजें बनाते हैं बिल्डर हमेशा से ही। मैंने इनकी पहली भी वीडियो बनाई हुई है, फ्लोर वो भी सोल्ड आउट है, अपनी चीजों को हमेशा अपग्रेड करके लाते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट ट्राई करते हैं। स्टेनलेस का काम देखो ऊपर, LED का बहुत प्यारा काम किया हुआ है, सीलिंग का काम बहुत लाजवाब A1 काम किया हुआ है, सीलिंग पे भी प्रॉपर इन्होंने टीवी कैबिनेट वगैरह पूरा बना के देते हैं हमें बिल्डर। जो काम हो रखा है ना फ्लोर में, सभी अपने को एक एक चीज मिलती है, लैंप वगैरह सारी चीजें, AC का फिटिंग प्रॉपर दिया हुआ है, अपने को कोई तोड़ फोड़ नहीं कराना, सभी ड्राइंग डाइनिंग चारों बेडरूम्स के अंदर हर जगह पूरा प्रॉपर AC का पॉइंट दिया हुआ है। मैंने आपको उसका मेन एंट्रेंस होता है जो अपना ड्राइंग डाइनिंग किचन, जिसमें हमारे घर के लोग सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखा दी है। इसके बाद ना हम इसके रूम्स की तरफ चलते हैं, अभी हम चलते हैं इसके फ्रंट रूम के अंदर। फ्रंट रूम में हम जैसे आते हैं अपनी एंट्रेंस पे, इन्होंने बहुत अच्छा ग्लास का काम
किया हुआ है, मिरर का बहुत प्यारा काम किया हुआ है, रोज गोल्ड थीम के साथ ये काम किया हुआ है। इसके बाद आएगा हम बेडरूम के अंदर। बेडरूम्स का आप साइज देखो, बहुत एवन साइज रहने वाले हैं बेडरूम्स के अंदर। आप अलमीराज वगैरह देख रहे हो, प्रॉपर ग्रे लुक दिया हुआ है अलमीराज का, साइज बहुत प्यारा निकाला हुआ है बिल्डर ने। एंड कर्टन्स वगैरह का पूरा प्रॉपर पहले से ही आपको सारी चीजें करा दी है, आपको बाद में कुछ नहीं कराना, जिससे अपना फर्नीचर आप इस घर में टेको और आपका घर कम्प्लीट। पूरा पीछे देखिए बहुत प्यारा काम किया है, पैनलिंग वगैरह का। वॉल पेपर की चॉइस बिल्डर की बहुत एवन है, बट आप अपने हिसाब से भी काम करा सकते हो, वो भी अपने पास ऑप्शन है। एंड लैंप वगैरह का काम अपने को मिलता है, फैन पूरे लगाए हुए हैं, सीलिंग का काम बहुत अच्छा दिया हुआ है। रूम साइज का तो कहना है कि आप बहुत अच्छे रूम साइज देते हैं बिल्डर हमेशा से। मैंने आपको पहले भी बताया कि 300 स्क्वायर यार्ड में इनसे बेटर लेआउट नहीं मिल सकता। देखिए मैं इस रूम से आगे हूं डायरेक्ट अपना वॉशरूम के अंदर। इसके वॉशरूम है प्रॉपर जैकवार की लगनी चाहिए, यहाँ पे फिटिंग अभी लगी हुई नहीं है, बट मेरे को पता है पूरा प्रॉपर जैकवार देते हैं हमेशा से। अपना ग्लास पार्टीशन वगैरह जो होता है वॉशरूम में भी प्रॉपर दिया हुआ है। डब्ल्यूसी वगैरह सारी चीज लगनी है, जैकवार लगनी है, ब्रांडेड लगनी है। वीडियो को बनाने के लिए मैं पहले आ गया क्योंकि ये चीज बचती नहीं है जी, जब तक फ्लोर रेडी होगा ना फ्लोर भी नहीं बचेगा इसमें, इस तेजी से फ्लोर निकल रहे हैं। अभी दो फ्लोर तो इसमें सेल भी हो चुके हैं, बट आपको मैं बता दूं पार्क फेसिंग भी यूनिट है कुछ अपने पास और यूनिट्स अपने को मिल जाएगी, बट इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में सिर्फ दो फ्लोर बचे हुए हैं। और आप चाहते हो कि पार्क फेसिंग घर हमें मिल जाए तो वो भी अपने पास यूनिट अवेलेबल है, आपको मैं पहले बता देता हूं। ये हम इसके फ्रंट पोर्शन को पूरा देख चुके हैं, ड्राइंग डाइनिंग फर्स्ट बेडरूम एंड अपना ये फैमिली लॉन्च वाला एरिया पूरा देख चुके हैं हम, ये सारा एरिया। एंड यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का स्पेस बिल्डर ने बना के दिया हुआ है हमें, ये भी बहुत प्यारा व्हाइट यूज किया हुआ है बिल्डर ने। कलर एंड कॉम्बिनेशन पीओपी मोल्डिंग्स एंड वुड का बहुत प्यारा काम किया हुआ है, बहुत अच्छी लुक आ रही है, बहुत इनहेंस लुक आ रही है, अपने को देख के मजा आ जाता है ऐसी चीजें देखने में ना। बहुत टाइम के बाद ना बहुत लाजवाब बिल्डर फ्लोर देखा है मैंने इस बजट सेगमेंट के अंदर। मैंने आपको पूरा फ्रंट का एरिया दिखाया, अब हम चलते हैं इसके साइड वाले एक बेडरूम के अंदर। आगे इसका बेडरूम, पीछे वॉलपेपर वगैरह का काम होना है, लैंप वगैरह का काम अभी होना है। एंड ये आप देखिए अलमीराज का काम, कोई कटौती नहीं करी है बिल्डर ने स्टोरेज में। वॉलपेपर का काम अभी यहाँ पे होना है, लैंप वगैरह यहाँ पे लगने हैं। एंड एसी की फिटिंग जैसे मैंने बोला आपको प्रॉपर देते हैं। सीलिंग पे आप काम देखिए कितना प्यारा अपने वो काम मिलने वाला है। साइज आप देखो रूम्स के, कैबिनेट वगैरह बनाए हुए हैं। एंड ये आ गया वॉशरूम, वॉशरूम में टाइल का कॉम्बिनेशन आप देखो क्या प्यारे कॉम्बिनेशन के साथ हमें टाइल मिलती है। लाइटिंग आप देखो जैकवार की मिलने वाली अपने वो फिटिंग, एंड जो काम मिल रहा है ना बिल्डर का उसका तो कहना क्या, लाजवाब काम मिलता है जी, लाजवाब काम मिलता है। इसके बाद मैं चलता हूँ बेडरूम नंबर 3 के अंदर। क्या गया हम बेडरूम नंबर 3 के अंदर, बेडरूम्स का आप साइज देखिए, बेडरूम्स की आप क्वालिटी देखिए, टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन। सीलिंग पे जो आप काम देख रहे हो, फिर वॉल्स पे आप काम देख रहे हो, अपने को यहाँ पे मिल जाएगी चॉइस। आप देखिए पूरा लैंप वगैरह सारी चीजें अपने को मिलती है। एंड इस रूम का आप बताइए, वॉशरूम आपको कहीं दिख रहा है इस रूम के अंदर? अभी आपको एक मैजिक दिखाते हैं। यह गया इसका वॉशरूम, यहाँ पे पूरा अपने को मिलते हैं कवर्ड, देखिए ब्लू कलर की कवर्ड रखी हुई है, पहली बार देखा है किसी बिल्डर फ्लोर में ये कलर कॉम्बिनेशन बिल्डर यूज करते हुए इस बजट रेंज वाले बिल्डर फ्लोर्स में। बट जो लुक आ रही है ना इनकी बहुत अलग निखर के आ रही है, बहुत इनहेंस लुक आ रही है। ब्लैक हैंडल्स के साथ अपने को जो मिलती है ब्लू कवर्स अच्छी लुक देती है। इसके बाद हम आएंगे इसके वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम में यहाँ पे पार्टीशन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया ब्रांडेड अपने को मिलनी है। यहाँ पे फिटिंग, बाथरूम के साइज देखिए बहुत बड़े बहुत अच्छे बाथरूम के साइज अपने को मिलने वाले हैं। एंड ये आ गया हम दोबारा से इसके बेडरूम के अंदर, इस बजट रेंज के अंदर इस सेगमेंट के अंदर ना बहुत अच्छा लेआउट है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है बिल्डर ने। इसके बाद ये आ गया इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में आप देखिए वुडन फिटिंग अपने को मिलने वाली है, टाइल्स रूम के साइज आपको दिख ही रहे होंगे, बहुत अच्छे बहुत बड़े रूम साइज दिया हुआ है अपने को। वॉलपेपर वगैरह में मिल जाती है चॉइस, पीछे वुडन का बहुत प्यारा काम किया हुआ है। एंड जो यहाँ पे कवर्स दी हुई है अपने को प्रॉपर ब्लैक थीम के साथ कवर दी हुई है, प्रोफाइल लाइट्स वगैरह सारी चीजें लगी हुई है, लैंप वगैरह बिल्डर ने लगाए हुए हैं, वॉल्स पूरी इनहेंस करके दे रहे हैं बिल्डर। फील आप देखो ऊपर सीलिंग पे आप काम देखो कितना प्यारा अपने को काम मिलने वाला है। ये ना पीछे वाली बालकनी में भी आपको लेके चलूंगा, उससे पहले हम देख लेते हैं इसका वॉशरूम। हम इसके वॉशरूम के अंदर एंड वॉशरूम मास्टर बेडरूम का आप कलर कॉम्बिनेशन देखो, टाइल्स का अभी ना फिटिंग लगी नहीं है, जैकवार की प्रॉपर लगने वाली है फिटिंग। जो चीजें बिल्डर लगा के दे रहे हैं, जो फील घर में है ना हमारी हाइट, अब देखिए ना हाइट अपने सीलिंग के बाद भी करीबन 10-11 फीट की तो अपने को हाइट मिल जाती है। एक ग्रैंड और एक लग्जरी घर जब भी लगता है जब उसकी हाइट अच्छी हो, क्योंकि बड़ा लगता है जी, फील अच्छी आती है, रॉयल लुक आती है बहुत। अब हम चलते हैं इसकी बैक बालकनी की तरफ। क्या हम इसके बैक बालकनी की तरफ, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ ओपन, ये पूरी बालकनी। फ्रंट बालकनी तो मैंने आपको बाहर से ही दिखा दी थी, ये आगे हम इसके बैक बालकनी की तरफ, ये पूरी वाइट बालकनी है, ये वाला रूम पीछे तक एक्सटेंडेड है। एंड ये आप देखिए जैसा मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में वीडियो के, टू साइड ओपन प्लॉट है, यहाँ पे प्रॉपर गेट रहने वाला है। ये रोड अभी क्योंकि काम चल रहा है इस वजह से खराब है, बाकी रोड वगैरह पूरा प्रॉपर पार्क बिल्कुल हमारे साइड में, ग्रीनरी आप देख रहे हो प्रॉपर मेंटेन्ड है, और जो वर्षाले का मेन रास्ता है वो यहाँ से सामने से है।
जो रोड अपना गोल्फ कोर्स को कनेक्ट करता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है। तो लोकेशन बहुत प्यारी है, टू साइड ओपन प्लॉट है। आराध्या होम्स ने ये प्लॉट के बिल्डअप फ्लोर PLC के साथ बेचे थे, जो हम आपको दे रहे हैं बहुत अच्छे रेटों में। तो नीचे नंबर दिया हुआ है जी, कॉल करो, विजिट बुक करो, ऐसी चीजें बार बार नहीं आती। तो आपको कैसा लगा बिल्डअप फ्लोर? आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत इवन बिल्डअप फ्लोर आया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो नीचे नंबर दिया हुआ है, मुझे कॉल करो, विजिट बुक करो, ऐसी चीजें बार बार नहीं आती। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिल्डअप फ्लोर के साथ।